हेलो यूट्यूब, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। हम हैं ऑटोफाइल्स, हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट ऑटोमोटिव कंटेंट आपके सिर्फ एक क्लिक पर। तो दोस्तों, आज हम एक जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक हिस्टोरिकल ब्रांड है। हम जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं वो ब्रांड है दोस्तों जावा। ये वर्ल्ड वॉर टू से मोटर बाइक्स बनाता है, इंडिया में बहुत पुराना ब्रांड था। फिर ये ब्रांड बंद होने के कगार पर आ गया था, जब तब उसको महिंद्रा कंपनी ने ख़रीद लिया था और फिर उन्होंने कमबैक किया लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर उन्होंने एक गाड़ी शोकेस की थी, दो लॉन्च भी की थी, एक शोकेस भी की थी। तो एक जो गाड़ी शोकेस की थी, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। वो गाड़ी है दोस्तों जावा की पैराक। लास्ट ईयर दोस्तों उन्होंने ये गाड़ी शोकेस की थी। तो ये फर्स्ट एनिवर्सरी है जावा की। तो उन्होंने नवंबर 2019 में ये गाड़ी को मतलब बिल्ड कर लिया है, सामने अनवील कर दिया है। शोकेस नहीं हुई है गाड़ी, अनवील हो गई है। January 1, 2020 से शोरूम्स में ये गाड़ी आ जाएगी बुकिंग के लिए। तो आप जैन से लेके अप्रैल तक बुकिंग कराइए, April 2 से इस गाड़ी की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ पर भी BS6 फ्यूल अवेलेबल रहेगा वहाँ पर आप अभी भी बुकिंग करा सकते हैं। जैन से पहले भी ऑनलाइन होगा, लेकिन सिर्फ शोरूम्स में जाएंगे तो शोरूम्स में 1 January 2020 के बाद ही बुकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स की। काफ़ी रेट्रो बनाया है बाइक को, सिंगल सीटर बॉबर स्टाइलिंग है ये, एकदम रेट्रो क्लासिक। राउंड हेडलैम्प्स के साथ आती है, राउंड इंडिकेटर्स, एक क्रूज़र टाइप का डिज़ाइन लैंग्वेज है, लंबा व्हील बेस। गाड़ी का आप टैंक देखिए, पीछे सीट्स देखिए, एकदम क्लासिक लुक है। बिल्कुल अभी जैसा मॉडर्न कुछ भी नहीं है इसमें। बस एक चीज़ इसमें मॉडर्न आप कह सकते हो, वो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें एक LED डिस्प्ले आता है जिसमें आप ओडोमीटर और फ्यूल गेज ये सब देख सकते हैं। दोस्तों, जावा पैराक की एक्स शोरूम प्राइसिंग है 1.96 लाख, और ये आपको ऑन रोड पूरे इंडिया में कोई भी सिटी कोई भी स्टेट में लगभग पड़ेगी 2,25,000 के अंदर अंदर। तो इसका जो सेगमेंट है, सबसे पहले तो ये कम्पीट करती है रॉयल एनफील्ड के क्लासिक 350, क्लासिक 500 और थंडरबर्ड 350, थंडरबर्ड 500, जो रॉयल एनफील्ड की स्ट्रॉन्ग आती है 500 सीरीज़ वो, और एक नई गाड़ी जो लॉन्च हुई थी बेनेली इम्पेरियल 400, वो भी इसका किसी हद तक एक कॉम्पिटिटर है। दोस्तों, इस इंजन की मैं बात कर रहा था, जावा पैराक का इंजन अपने कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा बेटर है अपने दूसरे गाड़ियों से। क्योंकि एक तो सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं, 334 सीसी का इंजन आता है। जो जावा स्टैंडर्ड गाड़ी है ना, उसी इंजन की डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी बढ़ा के जावा पैराक में फ़ीचर किया गया है। और ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, अपने सेगमेंट में कोई भी और गाड़ी ऐसी नहीं है जो लिक्विड कूल्ड इंजन दे। और इस इंजन में 6-speed ट्रांसमिशन आता है, कोई और गाड़ी 6-speed ट्रांसमिशन के साथ नहीं आती है। सारे 5-speed आते हैं, रॉयल एनफील्ड भी सारी 5-speed आती है, बेनेली इम्पेरियल भी सारी 5-speed आती है। और ये फ्यूल इंजेक्टेड मोटर है, फ्यूल इंजेक्शन भी रॉयल एनफील्ड की और बेनेली की सीरीज़ में बिल्कुल नहीं आता है। सिर्फ जावा पैराक है जो अपने सेगमेंट में फ्यूल इंजेक्शन, लिक्विड कूल्ड और 6-speed गेयरबॉक्स देती है। पावर टू वेट रेशियो की बात कर लें तो पावर टू वेट रेशियो इसका रॉयल एनफील्ड और इम्पेरियल दोनों से बहुत अच्छा है, क्योंकि इस गाड़ी का कर्ब वेट सिर्फ 179 kg है। पेट्रोल अगर आप फुल टैंक कराते भी हैं तो वो 182 kg के ऊपर जाना नहीं है, तो इसलिए पावर टू वेट रेशियो इसका बहुत अच्छा है। इंजन मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 30 ब्रेक हॉर्स पावर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 31 Nm। ये भी अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा है, क्योंकि बेनेली के लगभग टक्कर में बेनेली भी 29 हॉर्स पावर, ये 30 हॉर्स पावर। और जो क्लासिक सीरीज़ है, बुलेट की जितनी भी सीरीज़ है 500 और 350 में, वो 28 प्रोड्यूस करते हैं, ये 30 करती है। तो ये बुलेट और इम्पेरियल से ज़्यादा है, भली एक या दो हो ज़्यादा है पर ज़्यादा है। और लिक्विड कूल्ड है तो इसलिए इंजन ज़्यादा मॉडर्न है। और दूसरा, जावा पैराक में आपको फ्यूल गेज भी मिलता है जो क्लासिक सीरीज़ में आपको नहीं मिलता है। पैराक में जो व्हील्स आते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी अपने जो सेगमेंट है उसमें अलग है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें सामने 18 इंच का व्हील आता है और पीछे आता है इसमें एक 17 इंचर, तो एक इंच बड़ा चक्का है आगे, क्योंकि क्रूज़र स्टाइलिंग है, बॉबर स्टाइलिंग है, तो इसलिए उस हिसाब से ज़्यादा लंबा व्हील बेस भी है। उसको उस सेटअप को फेवर में करने के लिए सामने का व्हील 1 इंच बड़ा है। व्हील की साइज़ आपको बता दूँ, 100x90 का सामने फ्रंट व्हील का कॉन्फ़िगरेशन है और 140x70 का रियर व्हील का कॉन्फ़िगरेशन है। और जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी ज़मीन से, वो जावा की दूसरी जो रेंज है उससे थोड़ी सी कम है। जावा की जो दूसरी रेंज है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अबाउट 180 mm है, लेकिन ये जो गाड़ी है
जावा पैराक, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm के आसपास रहेगी अनलेडन। आदमी इसमें बैठेगा तो वो 155 mm भी हो सकती है। कहीं जगह पे ग्राउंड क्लियरेंस का इशू हो सकता है, बड़े ब्रेकर्स या कुछ गड्ढों में हो सकता है नीचे से टकरा जाए, क्योंकि इसका व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबा है, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। सस्पेंशन दोस्तों, जावा पैराक का काफ़ी एक यूनिक सेटअप है इस क्लासिक रेट्रो क्लासिक डिज़ाइन लैंग्वेज में, क्योंकि सामने इसमें टेलोस्कोपिक फ्रंट फोक्स आते हैं जो आपको इसमें रॉयल एनफील्ड सीरीज़ में और इम्पेरियल में भी मिलेगा। लेकिन जो रेयर शॉकअप है, इसका जो रेयर सस्पेंशन है वो एक मोनोशॉक है, 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक, जो क्लासिक क्रूजर्स में बिल्कुल नहीं आता है। एक भी कोई भी गाड़ी नहीं है इंडिया में जो आपको एक मोनोशॉक के साथ मिले, जो एक रेट्रो क्लासिक क्रूजर हो या बॉबर हो। तो ये जो गाड़ी है, ये पहली गाड़ी है इंडिया में जिसमें रेयर सस्पेंशन एक मोनोशॉक है। आपकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर्स है और ये गाड़ी अराउंड आपको 30-35 के अराउंड माइलेज दे सकती है, क्योंकि जो जावा की दूसरी सीरीज़ है उसका क्लेम्ड माइलेज 37 किलोमीटर्स पर लीटर है। इसका उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि पावर भी ज़्यादा है और गाड़ी का व्हील बेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 32-35 अराउंड इसी के आसपास होगा। दोस्तों आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऑटो फाइल्स को सारे लेटेस्ट ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए। और दोस्तों फ्यूचर में हम ऑटो एक्सपो डेली को भी कवर करने चाह रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम वहाँ आपको एक ही दिन में सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डेली ऑटो एक्सपो की। और डेली का जो ऑटो एक्सपो है ये पूरे एशिया का, पूरे इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको बिल्कुल मिस ना करें। फॉलो करें हमको इंस्टाग्राम में @ AutoFiles India। थैंक यू।